इस वीडियो में हम रैंकिंग फैक्टर्स को मज़ीद डिटेल में देखेंगे कि किस किस तरह के रैंकिंग फैक्टर्स हैं। असल में रैंकिंग फैक्टर्स को मुख्तलिफ कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। उन कैटेगरी में एक कैटेगरी है ऑन पेज रैंकिंग फैक्टर्स, या उसको ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी कह सकते हैं। एक कैटेगरी है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, या उसको ऑफ पेज रैंकिंग फैक्टर्स भी आप कह सकते हैं। ऑन पेज रैंकिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपकी वेबसाइट के ऊपर जो जो आपने इंफॉर्मेशन क्रिएट की है, जो जो इन्फॉर्मेशन आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो उस पर कुछ भी करने को ऑन पेज फैक्टर्स में कहलाता है। सो फॉर एग्जांपल, आपने वेबसाइट बनाई, आप उसका टाइटल आप लिखेंगे तो वो ऑन पेज फैक्टर है। आप उसका कंटेंट लिखेंगे, आप उस कंटेंट में इमेज डालेंगे, आप उस कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, उसकी लैंग्वेज ठीक करेंगे, उसका लेआउट ठीक करेंगे, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं ये ऑन पेज फैक्टर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये आप अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं। सो गूगल ऑन पेज फैक्टर्स को देखता है, लेकिन गूगल फिर ऑफ पेज फैक्टर्स को देखता है। ऑफ पेज का मतलब ये है कि वो फैक्टर्स जो ऑफ द पेज हैं, ऑफ द पेज मतलब जो आपके पेज पर नहीं है। अगर वो आपके पेज पर नहीं है तो इसका मतलब कि वो किसी और के पेज पर है। सो ऑफ पेज में बेसिकली हम इसको अगर अंडरस्टैंड करें तो ये नॉर्मली लिंक बिल्डिंग भी कहलाती है। सो गूगल में एसईओ करने के लिए दो इंपॉर्टेंट जो पहलू हैं, वो एक तो ऑन पेज है कि ऑन पेज मतलब आप अपनी वेबसाइट में जो जो करते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन साथ फिर आप ऑफ पेज भी करते हैं, वो पहलू जो आप अपनी वेबसाइट पे नहीं करते बल्कि वो किसी की वेबसाइट में करते हैं। और किसी की वेबसाइट में करने से मुराद यही है कि वो आप वहाँ से लिंक्स लेते हैं, और इस लिंक्स लेने को लिंक बिल्डिंग भी कहा जाता है। और आम तौर पर ये समझा जाता है, इसकी कोई रेफरेंस ख़ास नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये माना जाता है कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का तकरीबन एसईओ के अंदर 30% रोल है, जबकि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का इसमें 70% रोल है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंस वाइज देखा जाए तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो है वो एक दफ़ा हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक दफ़ा पेज बनाया, उस पेज को आपने टाइटल भी लिख लिया, उसके ऊपर हेडिंग्स भी दे दी, उसको कंटेंट भी लिख लिया, जब सब कुछ कर लिया, वो एक दफ़ा लिखा गया, उसके बाद आप उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अब आपने इसको प्रमोट करना है तो आप क्या करेंगे, आप हर रोज़, हर महीने, हर हफ्ते आप इसको दूसरी वेबसाइट्स पे जाकर जहाँ पर लोग बात कर रहे हैं कि भाई हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप वहाँ पर अपना लिंक देते हैं कि भाई ये आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं लिंक बिल्डिंग या ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आप एक्चुअली अपनी कॉन्टेंट को कोशिश करते हैं कि कहीं से लिंक करें, और वो लिंक एथिकल होना चाहिए। उसमें ये है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो आप उसको लिंक दे दें, वो क्लिक करेगा, आपकी वेबसाइट पे आएगा, ट्रैफिक भी आएगी, लेकिन जब गूगल उस वेबसाइट को क्रॉल करेगा तो वो आपकी वेबसाइट पे भी आएगा। जैसे कि हमने बिहेवियर स्टडी किया कि गूगल कैसे वेबसाइट टू वेबसाइट या लिंक टू लिंक क्रॉल करता है इन्फॉर्मेशन को। इन दो कैटेगरीज़ के अलावा एक तीसरी कैटेगरी जो बड़ी तेज़ी से आम हो रही है एसईओ के अंदर, वो टेक्निकल एसईओ के नाम से कहलाई जाती है। टेक्निकल एसईओ में बेसिकली क्या होता है कि टेक्निकल फैक्टर्स जो नॉर्मली आम मार्केटर नहीं कंट्रोल कर सकते, जिसके लिए डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है या डेवलपर की ज़रूरत होती है, जिसके लिए सर्वर साइड पे या दूसरी चीज़ें जहाँ टेक्निकल इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व हो जाती है, उसको टेक्निकल एसईओ का नाम दिया जाता है। उसमें कुछ पहलू हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको वेबसाइट की स्पीड बेहतर करनी है, तो ये टेक्निकल मैटर है। आप जितना मर्ज़ी अच्छा कंटेंट लिख लें, अगर आपकी वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही, अगर उसका सर्वर किसी दूसरे मुल्क में है, अगर उसकी आईपी किसी दूसरे मुल्क में है, अगर उसके ऊपर एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ, ये सारी चीज़ें टेक्निकल बुनियादों पर हैंडल की जाती हैं। और नॉर्मली एसईओ में बहुत सारी चीज़ें डेवलपर के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती हैं। सो उन चीज़ों को नॉर्मली अगर हम कैटेगराइज़ करें तो वो टेक्निकल एसईओ कहलाती है। सो टेक्निकल एसईओ प्लस ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन प्लस ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, ये तीनों का मजमुआ मिलाकर बेसिकली एक अच्छी एसईओ स्ट्रेटजी बनती है, जिसके तहत आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि वो रैंक करें।